अभी हम जा रहे हैं 9 Arch Bridge की तरफ। बारिश हो रही थी, वैसे पैदल भी आ सकते हैं यहाँ पे, बट बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो फिर मैं एक्चुअली टुक टुक करके आ गया। सो वैसे पैदल आ सकते हो, 2 से 2.5 किलोमीटर है सिटी सेंटर से, ज़्यादा नहीं है। पूरा बताता हूँ आपको 9 Arch Bridge के बारे में, एक बार पहुँच जाओ वहाँ पे, नज़ारे का आनंद लेने दो मुझे यार, नज़ारे बड़े अच्छे हैं यहाँ के। रोड भी ऐसे है ना, देखो एकदम घाट वाला रोड है छोटा सा। ना थोड़ा बीच में रुक गया हूँ मैं, वो 9 Arch नीचे ही है। अभी तो बारिश थोड़ी सी रुक गई है, बट कंटिन्यूसली बारिश हो रही है कल से यहाँ पे, कंटिन्यूसली। मैं कल ही आने वाला था लेकिन कल नहीं आ पाया। सो ये भैया ने ऑटो तो यहीं खड़ा कर दिया है, टुक टुक। अभी हम लोग नीचे निकलने वाले हैं, अब नीचे वॉक करके जा रहे हैं। साची भाई है हमारे साथ में, सचिन, अभी स्लिप हो जाता, सचिन तेंदुलकर। स्लिपरी है, बारिश हो रही है ना, तो बहुत स्लिपरी है, ध्यान से आना आप भी आओ तो। स्लिपरी बहुत है यार, बारिश हो रखी है और स्लिपरी बहुत है यार दोस्तों, डर लग रहा है एकदम। मैंने स्पोर्ट्स शूज भी पहन रखे हैं, देख सकते हो आप, बट फिर भी स्लिपरी काफी है। सो टेक केयर ऑफ योर स्टेप्स, इसलिए मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, देख सकते हो आप सीधा। सीधे स्टेप्स है, धीरे धीरे चल रहा हूँ यार। सो देख रहे हो आप ऊपर से पूरा, धीरे 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 आके, स्लिपरी बहुत है यार। आगे की तरफ चल रहे हैं, ये एक्चुअली नीचे जाने का रास्ता है ब्रिज के ऊपर, मैं आपको इसके बाद ले जाऊंगा। ये नीचे से जो आपको व्यू मिलेगा ना, दैट इज वेरी अमेजिंग। ट्रेन के टाइमिंग्स आप नीचे से एक्चुअली अच्छे फोटोज ले सकते हो, नीचे आके यहाँ पे। सो यू विल सी कंप्लीट 9 Arch Bridge, और वहाँ से ट्रेन भी निकलती है। ट्रेन के टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, पूरी इंक्वायरी करके आया था वैसे। स्टेप्स देख रहे हो, ये लोग भी आ रहे हैं यहाँ से, इट्स वेरी डेंजरस। तो 15-20 मिनट हो गए चलते चलते चलते, धीरे 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 भी फाइनली आ गए हैं। कुछ दिखाता हूँ, सेंटर पे खड़े होके 9 Arch, हाउ इट लुक्स, सी दिस। ये है 9 Arch Bridge। ये ब्रिज का नाम 9 Arch Bridge है, और ये एक खूबसूरत से माउंटेन श्रीलंका के अंदर एला सिटी के अंदर आता है, और ये एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है एला के अंदर। इसका जो निर्माण किया गया था, बिल्ड किया गया था, वो 1921 में किया गया था, इन 20th century। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस ब्रिज इज, इसके अंदर स्टील का यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ये ब्रिज सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स, रॉक्स
एंड सीमेंट से बना गया है। यूरोपियन लोगों ने जब यहाँ पे वो लोग थे 1921 में, तो अरेंजमेंट तो किया था स्टील का, लेकिन तब वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था और वो वहां पे भेज दिया था उन्होंने स्टील। तो इट इज अ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रेलवे कंस्ट्रक्शन इन द कॉलोनियल एरा। ट्रेन का टाइम हो गया है, 11:40-11:45 के करीब हो रहा है, अब सब ट्रेन आने वाली है। इसके लिए मैं कम से कम 1.5 घंटे से वेट कर रहा था यहाँ पे। तो आपको भी अगर आना है तो 11:40 और 11:45 के बीच आती है ट्रेन। फाइनली ये एला की छोटी सी मार्केट है। एला वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, मार्केट से आप स्टार्ट करोगे रैंड तक जाओगे तो आपका लगभग लगभग एक आधे से 1 किलोमीटर में ही एला पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये मेन मार्केट है जहाँ पे आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। अभी शाम के बज रहे हैं, अभी 5:30 के करीब हो रहे हैं अभी। तो कल सुबह मेरे को जल्दी निकलना भी है, बस पकड़नी है, तो मैं एक्चुअली जल्दी आ गया हूँ। 2-3 जगह है यहाँ पे, एक आगे आगे चिल प्लेस आएगा वो भी अच्छा है। कल मैंने खाया था ड्रीम कैफे में, वो भी बड़ा अच्छा था। ये ड्रीम कैफे से थोड़ा सा आगे निकल जाओगे देन आपका एक UFO करके आता है, वो भी अच्छा है खाना वहाँ पे। सो ये यहाँ पे ATM भी है पैसे निकालने के लिए, एक आगे भी ATM है। छतरी ले रखी है यार क्योंकि बारिश होती रहती है यहाँ पे, तो छतरी रखना हमेशा, अम्ब्रेला ऑलवेज नीड इट हियर, यू डोंट नो व्हेन यू नीड इट। पार्टी वार्टी का सीन नहीं है यहाँ पे, लेकिन रेस्टोरेंट बड़े अच्छे हैं, ऐसे पब अब डिस्क नहीं है। कल यहाँ पे खाया था ड्रीम कैफे में, यही आऊँगा वापस। थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ आगे से, आई एम कमिंग बैक। ओके कल यहाँ ऊपर बैठा था, ऊपर बैठ के वो हाई कर रहे हैं, ऊपर बैठ के थोड़ा एंजॉय किया था। ये वाला इन लोगों का चिल प्लेस है, आई विल जस्ट शो यू। सो ये वाला चिल प्लेस है, यू कैन सी इट। बस आगे मार्केट खत्म हो जाता है, फिर आगे ज्यादा मार्केट है नहीं। ये सुपर मार्केट है अगर आपको कुछ चाहिए तो डेली नीड्स के लिए। ये मेडिकल है, लॉन्ड्री वगैरह करवानी हो तो सामने है, लॉन्ड्री करा सकते हैं आप। सो दैट्स इट, इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट वेयर यू कैन फाइंड गुड रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। बड़ा चिल प्लेस है लेकिन एला यार मेरे को पसंद आया। थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा अनोइंग हो गया था, बिकॉज क्या हुआ ना, मैं परसों ही आ गया था यहाँ पे यार, कल पूरे दिन रेस्ट किया था मैंने क्योंकि कल बहुत बारिश हो रही थी। आज बारिश फिर भी रुकी है तो फिर मैं साइट सीनिंग वगैरह करने गया, वरना परसों तो हालत ख़राब थी भाई लोगों, बारिश पे बारिश,
और यहाँ पे हाँ जैकेट वगैरह कुछ लेके आना गर्म, बिकॉज ठंडा बहुत रहता है भाई, बहुत ठंडा है। माइनस में तो नहीं है बट ठंडा है, मतलब ये लगा लो 14 to 17 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। तो अब रहो जा रहा हूँ अपने ड्रीम कैफे में, तो खाना बड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो दैट इज़ द रीज़न। ये इनका मेन्यू है देख सकते हैं, दिस इज़ द ड्रीम कैफे। थैंक यू, आई थॉट यू गाइज विल फॉरगेट मी, यू नो मी, ओके थैंक यू, थैंक यू, हेलो। तो ये इनका अंदर से है ड्रीम कैफे, बड़ा चिल सा प्लेस है और खाना बड़ा अच्छा है इनका यार। टेबल वेबल बड़ी अच्छी, अरेंजमेंट बड़े अच्छे कर रखे हैं ड्रीम कैफे वालों ने, अच्छा है, चिल प्लेस है। यहाँ पे बैठ जाओ, देखो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ तो पूरा रोड वगैरह भी सामने से पूरा दिखता रहता है मेरे को, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो टाइम भी अच्छा पास हो जाता है यार शाम का। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, मतलब आप लगा लो, मैं वैसे इतना कॉस्टली खाता नहीं हूँ, बट फिर भी आपको पता नहीं कॉस्टली लगे या नहीं लगे, यहाँ पे मैं अच्छा खाना खाऊंगा तो इंडियन करेंसी में 400-500 रुपये मैक्सिमम हो गया मेरे लिए अच्छा खाना खाने के लिए यहाँ पे। ये इनका मेन्यू है, कल मैंने खाई थी चॉपसी खाई थी कल मैंने विथ सी फूड, आई मीन विथ प्रॉन्स, कुछ 750 LKR की थी, मतलब 700-300, मतलब कुछ 200-250 रुपये की यार, नॉट कॉस्टली ना।